इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। और साथ ही एक चीज और, इनका दोगलापन जो मैंने देखा वो ये कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने जब बात की के कुछ हदीस के बारे में कि जी वो उस पर उनको डाउट है कि वो प्रॉफिट ने कही भी थी बात या नहीं कही थी, सब चुप खामोश, पिन ड्रॉप साइलेंस। ना इमरान खान साहब ने कोई स्टेटमेंट दिया, ना किसी मुल्ला ने कुछ बोला, ना कोई सऊदी कॉन्सुलेट के आगे जाके किसी ने टायर जलाए, ना किसी ने जलूस निकाला, बिल्कुल खामोश है। और अगर कोई बात यूरोपियन कंट्रीज में हो जाए तो फिर तो ये बस यहाँ उनका एम्बेसडर निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, सब शुरू हो जाते हैं। लेकिन सऊदीया के लिए किसी ने आवाज तक नहीं, इतनी बड़ी बात उन्होंने मतलब कह दी कि जी हदीसों पर ही उन्हें भरोसा नहीं है और इन्होंने कुछ नहीं बोला। इसलिए कि इन्होंने एक दो दफा बात माजी में गलती से कर ली थी तो उसका इनको खमियाजा भुगतना पड़ा था, जिससे इन्होंने सबक ये सीखा कि यूरोपियंस को या अमेरिकन्स को या महजब दुनिया को जितनी गालियां मत दो वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सऊदियों के बारे में मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। ये तजर्बा अभी पीछे आपने देखा, शाह महमूद कुरैशी ने जज्बात में आके तो वो जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के हवाले से और मसला कश्मीर के हवाले से बात की थी, तो इन सब को जाके बार बार उनसे माफी मांग के तो अभी हालात सही हुए। तो अब ये कभी कुछ नहीं कहेंगे। वो जो मोहम्मद बिन सलमान बात जो कर रहे हैं, वो ख्वा उसमें कोई बात, मैं मुझे तो कोई काबिले एतराज बात उसमें वैसे नजर नहीं आती, मुझे भी नहीं लगी, लेकिन इनको तो मौका चाहिए ना कि किसी ने कैसे कह दी बात ना। और अब आप ये देखें कि ये गैर जरूरी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि दूसरे मुल्कों को मशवरे देंगे और उनसे मुतालबे करेंगे। हाँ। जैसे कनाडा से, अब आप आज आपने देखा होगा कि वो जो नौजवान जिसने ये हरकत की है उसकी रिपोर्ट आई है कि वो डिप्रेशन का शिकार था और अंडर मेडिकेशन था, जैसे कि बहुत सारे मुसलमान नौजवानों ने यहाँ वेस्ट में इस तरह की कुछ, किसी ने वैन अटैक की है, किसी ने कुछ किया, तो वो इस तरह के साइकोलॉजिकल मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो जा रहे थे। इन्होंने एकदम जो है वो लेक्चर शुरू कर दिया इस्लामोफोबिया का, और एक आदमी जो है वो आउट ऑफ सेंसेस है तो उस पे आप इस्लामोफोबिया का नाम चस्पा करें या कुछ करें, तो ये बदयंती है। वायद जो रियल एक ऑन सरफेस रिश्ता है वो लेन देन का रिश्ता है। सऊदीया कभी तेल वो उस रायतों पर दे रहा है, कभी डेफरल उस पर दे रहा है, कभी नकद पैसे दे रहा है, कभी इंटरनेशनल क्राइसिस के दौरान जब कोई इशू आए तो उसमें रेस्क्यू का रोल अदा कर रहा है। तो उसके एक आका की, आका और एक क्लाइंट के दरमियान जो रिश्ता होता है उसमें ये नहीं है कि ये जाके उसको कहेंगे आपने ये क्यों कह दिया। और हदीस के बारे में सऊदियों से ज्यादा और कोई नहीं जानता, ये हमारे जो मुल्ला जो है ना आगे पीछे उछल कूद करते रहते हैं, जब कोई सऊदी बोलता है बेशक गलती बोल रहा हो तो उसके सामने ये हाथ जोड़ देते हैं। इसका मतलब यही है कि जिनसे इनको पैसे लेने होंगे या कोई फेवर लेना होगा वो कुछ भी करें ये मतलब नहीं बोलेंगे, और बाकी कंट्रीज के लिए फौरन खड़े हो जाएंगे। यही रोल इनका अमेरिका के साथ पाकिस्तान का रोल रहा है 30 सालों तक, और अब चाइना के साथ भी वही है। Exactly. चाइना के सामने भी ये कुछ नहीं बोलते, जबकि वहां पे उन्होंने मोहम्मद नाम तक रखना मना कर रखा है अपने, जो इनको अभी तक इन तक इतला ही नहीं पहुंची है, ये जो कुछ पता ही नहीं है जो वीगर मुस्लिम्स के साथ हो रहा है ये कहते हैं हमें अभी तक इतला नहीं पहुंची। वाशिंगटन पोस्ट से लेके तो नेपाल के छोटे से अखबार तक इदारती पेजेस पे लाखों आर्टिकल्स और खबरें आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में ये खबर नहीं पहुंची कि चीन वहां पे इस एथनिक ग्रुप के साथ क्या कर रहा है। बिल्कुल, ये इनकी मासूमियत ही कही जा सकती है, वरना ये चीज तो CNN वाले तक पूछ चुके हैं। आज शाम आपने देखा ही होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कि वहां पर और सऊदी अरब में भी ये है कायदा है कि जी नमाज के बाद मस्जिद को लॉक कर दिया जाता है। ये नहीं है कि मस्जिद में बैठकर मजमा लगाकर और जहर उगल रहे हैं
और सबके दिमागों में जहर भर रहे हैं। इस बात की इजाजत ना तो आपको यूएई में मिलेगी और ना ही सऊदी अरब वाले इस बात की इजाजत देते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में भी ये तरीका होना चाहिए कि पहले तो ये कि आप इस्लाम को रिफॉर्म करें, ये जितने मुल्ला बैठे हुए हैं और अपनी बकवासें करते हैं और लोगों के जहनों में जहर भरते हैं, दूसरे मजहब के खिलाफ जहर भरते हैं, दूसरी कंट्रीज के लिए जहर भरते हैं, कभी गजवा हिंद और कभी कुछ, इनको पकड़ के इनकी ठीक ठाक किस्म की जम के छतरौल करनी चाहिए। इनको इतने इनकी तशरीफ पे इतने जूते मारे कि इनको दिन में तारे नजर आ जाए। उसके बाद पाकिस्तान को ये चाहिए कि सबसे पहले लाउड स्पीकर बंद कर दे, सारी मस्जिदों में लाउड स्पीकर बंद। अगर फेफड़ों में ताकत है तो जाओ ऊपर चढ़ो और मीनारे पे जाके अजान दे दो, सबको सुनाई दे जाएगी। वैसे भी आजकल इनकी सुनता कौन है, लोग अपनी घड़ी देखकर टाइम देखकर इस तरह से नमाज पढ़ लेते हैं जिसने पढ़नी होती है। तो ये लाउड स्पीकर टोटली बैन हो जाने चाहिए पाकिस्तान में, हर जगह पे, हर जगह जिस सेक्टर में जाए एक्स्ट्रा मतलब मस्जिद बनाई हुई है। अभी मैं सिर्फ, अगर आपको कदर, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ी गर्मी कम हो जाए एक दो महीने में, मैं आपको F9 पार्क की सैर कराऊंगी। उस F9 पार्क में ही जो है वो 3 मस्जिदें अभी तक बन चुकी हैं। लीगल हैं, इलीगल हैं, वो एक अलग बहस है, मगर जरूरत कोई नहीं है उस मस्जिद में। मतलब आपने 3 मस्जिद क्यों बना के रखी है वहां पे, और बनाइए तो भाई मंदिर भी बना दो, फिर चर्च भी बना दो, फिर वो पार्क तो नहीं रहेगा। तो इन्होंने यहाँ पे हद ये की हुई है कि हर सेक्टर में दो दो तीन तीन मस्जिद बनाई हुई है, और हर वक्त जो है वो इसी तरह की बातें मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे भी हो रही होती हैं और आम लाइफ में भी इसी तरह की लोग बातें कर रहे होते हैं कि बस जी मरने के बाद ही जिंदगी है, और फिर मरने को भी कोई तैयार नहीं होता। जितने मुल्ला हैं वो सब यही बताते हैं कि जी असल जिंदगी तो मौत के बाद है, लेकिन मरने को कोई तैयार नहीं है। कोई मजाल है जो 80-90 से पहले कोई टपकने का नाम ले, लेकिन हाँ दूसरों के लिए बहुत तैयार रहेंगे कि बस ठीक है कोई बात नहीं जी, ये तो बस ऊपर वाले का हुक्म है और आपको जो है ना मर जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमारे लोग भी बहुत ही मतलब बहुत ही जाहिल हैं। इन मौलवियों का घर भरते हैं, इनको डोनेशन देते हैं, इनको कश्मीर के नाम पे डोनेशन देते हैं, इनको फलस्तीन के नाम पे डोनेशन देते हैं, इनको इस्लाम के नाम पे डोनेशन देते हैं। हर तरह का पैसा जो हमें बार बार लोग पूछते हैं ना कि ये जो निकल कर आते हैं सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स, जिनको हम बोल के अपनी जान छुड़ा लेते हैं और असल में ये दहशत गर्द और इस तरह के टेररिस्ट जो निकल कर आते हैं, कोई लश्कर तैयबा और कोई लश्कर झंगवी और कोई लश्कर भंगवी और कोई क्या नाम, तो इनको पैसे कौन देता है? इनको पैसे पाकिस्तान के लोग ही देते हैं, इनको पैसे अमीर से लेके गरीब तक हर पाकिस्तानी देते। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा आरजू काजमी और हामिद बसानी डिस्कस कर रहे थे जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी एक इंटरव्यू में बोला है कि कुछ जो हदीस हैं जो कि बेसिकली इस ज़माने के हिसाब से नहीं बनी है, वो उसी ज़माने के हिसाब से बनी थी, जो काफिरों के ख़िलाफ़ हैं, जो नॉन मुस्लिम को मारने का हुक्म देती हैं, जो मतलब आप समझ सकते हो जजिया वगैरह इस तरीके की कुछ जो हदीस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको रिफॉर्म करने के मतलब उनमें बदलाव करने के बारे में बात हो रही है। गाइज ये बात हो रही है सऊदी अरेबिया में, जहाँ से इस्लाम धर्म बेसिकली दुनिया के सामने आया और आज आप देख सकते हो इस्लाम धर्म की आबादी लगभग 180 करोड़ लोग हैं, जिसमें से आधे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रहते हैं, आधी आबादी। तो दोस्तों ये चीज़ हो रही है वहाँ पर, इस पर आपने रिएक्शन देखा आरजू काजमी का। आरजू काजमी का ये रिएक्शन देखने के बाद बहुत डर लगता है, कहीं आरजू काजमी का ये वीडियो अगर पाकिस्तान में गलती से वायरल हो गया और उन जैसे लोगों के हत्थे लग गया, जैसे साद रिजवी या जो तहरीक लब्बैक वाली पार्टी के लोगों के हत्थे लग गया, तो मुझे लगता नहीं है आरजू काजमी जी की सिक्योरिटी में कुछ प्रॉब्लम ना आए, बहुत दिक्कत हो सकती है इनको। क्योंकि वो लोग जब फ्रांस के ख़िलाफ़ आपने देखा किस तरीके से आ गए थे, अपने लोगों को ही मारने लगे थे, तो ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं।
और हालांकि आरजू काजमी का पॉइंट ये है कि ये सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ कुछ भी क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है, ये तो मतलब इतनी बड़ी बात हो गई कुरान हदीस में बदलाव करने की बात, ये मतलब हर मुस्लिम के लिए इतनी बड़ी बात है ये कि अब तक तो पाकिस्तान में लोगों को पागल हो जाना चाहिए था, लोगों को अपना ही सर कलम कर लेना चाहिए था जिन जिन ने सऊदी अरेबिया कभी विज़िट किया हो। इस तरीके के जो सार्केज़म इन्होंने अपनी बातों में दर्शाए हैं आपने देखा। तो दोस्तों आपको भी पता है कि बेसिकली ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ इनकी बोलने की हिम्मत नहीं है, सऊदी अरेबिया को पता है कि इस्लाम क्या है और उन्हें कोई भी नहीं समझा सकता। हालांकि दुनिया में माना जाता है बहावेज़म जिसके कारण इस्लाम में टेररिज़म आया वो सऊदी अरेबिया ने ही फैलाया, इन्होंने ही मस्जिदों को पैसा दिया, स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मस्जिदों को पैसा दिया, जो बहावेज़म के फॉलोअर हैं वो सारी दुनिया में फैल गए। अब मुझे नहीं पता बहावेज़म, ये बहावेज़म शब्द तो अभी 100 साल पुराना या 200 साल पुराना है, लेकिन जो भारत में आप देख रहे हो बहावेज़म मतलब जो इस्लाम का टेररिज़म स्पेशली दूसरे धर्मों के ख़िलाफ़, वो तो आप 1000 साल पहले से देख रहे हो। मतलब क्यों मंदिर की मूर्ति, मंदिर लूटना अलग चीज़ है, मंदिर को डिस्ट्रॉय करना मूर्ति तोड़ना अलग चीज़ है, मंदिर को आप लूट सकते हो चलो वो आप लुटेरे हो भले आप हो किसी धर्म के हो, लेकिन मंदिर को लूट कर उसकी मूर्ति डिस्ट्रॉय करना फिर वहाँ पर ही मस्जिद बनाना ये एक अलग चीज़ है गाइज, तो आप समझ सकते हो फिर तो डेफिनेटली ये तो दूसरे धर्म के ख़िलाफ़ ही हो जाती है। मंदिर लूटना तो ये एक मंदिर लूटना भी बुरी बात है, लेकिन अब कोई लुटेरा है चोर है उसको क्या लेना देना, वो तो चोर चोरी करेगा लूटेगा, लेकिन जो इन्वेडर्स आए थे भारत में उन्होंने मंदिर को लूटा तो ठीक है, वहाँ पर तोड़ा मंदिर की मूर्तियाँ तोड़ी, स्पेशली वहाँ पर गाय काटी, ये चीज़ें तो हैं लिखी हुई हैं साक्षात हिस्ट्री में और इससे डिनाई कोई नहीं कर सकता। हालाँकि कुछ लोग जो इंडियन मुस्लिम वो कहेंगे ये सब झूठ है फलाना ठिकाना, वो उनको साक्षात प्रमाण भी दे दो, अगर आप कुतुब मीनार की दिखा भी दो इमारत की वहाँ पर 26-27 मंदिर के प्रूफ मिलते हैं इनको तोड़कर इसे बनाया गया है तो भी वो नहीं मानते गाइस। तो गाइस अब कहने को कुछ है नहीं, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।